हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज मेरी बेटी बेटी का जन्मदिन है। आज मैं दोपहर से ही लग गई हूँ उसकी तैयारी में, जन्मदिन की तैयारी में। इसके लिए मैंने सबसे पहले मैं छोला बनाऊंगी। इसके लिए मैंने वाइट चना को फुला दिया है, अच्छी तरह से फूल गया है। 1 किलो मैंने वाइट चना फुलाया था, अब अच्छी तरह से धुल दिया। अब इसको हम कुकर में डाल देंगे। इसको उबलने के लिए कुकर में डाल देंगे हम। इसमें डालेंगे 4 छोटी इलायची, पानी डालेंगे चने के हिसाब से। इसमें पानी ऐड करेंगे हम, चने के हिसाब से हम पानी इसमें ऐड करेंगे। इसमें डालेंगे नमक 1/2 चम्मच। अब इसका ढक्कन लगा देंगे हम, एक सीटी इसको दिला देंगे हम। तब तक दूसरी साइड में हम दूध उबलने को चढ़ा देंगे। खीर बनाने के लिए दूध उबलने को चढ़ाएंगे दूसरी साइड में हम। तब छोले बनाने के लिए हम प्याज लेंगे 1 किलो। 1 किलो व्हाइट चना है तो उस हिसाब से हम इसमें प्याज ऐड करेंगे हम। चने के हिसाब से हमने प्याज ले लिया है, इसको छील के कट कर लेंगे हम। इधर स्कूल से आ गई है बर्थडे गर्ल, स्कूल में ले गई थी चॉकलेट बांटने के लिए सब बच्चे अपने दोस्तों सबको। एक डब्बा ले गई थी, इसमें से बच्चे सब अपने दोस्तों को बांटने के लिए, उसमें से बच गया है चॉकलेट का डब्बे में से चॉकलेट। स्कूल के इसके दोस्तों सब ने बहुत सारे इसको गिफ्ट दिए हैं, देखिए खोल के। तो अभी मैंने 2 चीज़ फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर किया था, 2 तारीख ऑर्डर किया है, 4 को हमको डिलीवर कर दिया है। बहुत फास्ट डिलीवर करता है फ्लिपकार्ट। पहला है ड्रेस और दूसरा है डेकोरेशन किट। ड्रेस को आप लोगों को हम दिखाते हैं कैसा है ड्रेस, उसका बर्थडे ड्रेस। ये ड्रेस कैसा लगा आप लोग जो लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में। दूसरा प्रोडक्ट्स है डेकोरेशन किट्स, इसमें 3 कलर बैलून है, वाइट, सिल्वर, ब्लू, 10 कलर है। 2 पॉकेट वॉल हैंगिंग दिया है स्काई ब्लू कलर का, हैप्पी बर्थडे का टैग दिया है और उसके साथ रिबन दिया है, 2 होल दिया है लगाने के लिए साइड में, 2 बैलून दिया है हार्ट कलर हार्ट शेप का, बड़ा साइज का है ना छोटा मीडियम साइज में बैलून दिए हैं इसमें। फ्रोजन के फिगर का सर्कल शेप का बैलून दिया है, इसमें 2 दिया है, ये भी ना बड़ा ना छोटा मीडियम साइज में दिया है। और इसमें एक सबसे बड़ा साइज का बैलून दिया है, फ्रोजन ही का दिया हुआ है और बड़ा है ये साइज में दिया है। इसमें फिगर भी दिया हुआ है बीच में बड़ा साइज का एक। दूध उबल रहा है तब तक ले पनीर शाही पनीर सब्जी की हम तैयारी कर लेते हैं। गर्म पानी डाल के इसको 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। गर्म पानी डालने से यह होता है कि पनीर सॉफ्ट रहता है, इसमें जो खटापन होता है निकल जाता है इसका। 600 ग्राम पनीर है, उस हिसाब से हम ग्रेवी तैयार करने लेके प्याज टमाटर लेंगे हम। मैंने यहाँ पे 4 प्याज 2 टमाटर लहसुन अदरक लिया है पनीर के हिसाब से। दूध उबल गया है, अब इसमें चावल ऐड करेंगे। ये स्पेशल इस चावल की खीर बहुत यम्मी बनता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग की तरफ मिलता होगा तो एक बार बना के जरूर बना के खाइएगा और जरूर लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोग को कैसा लगा इस चावल का खीर। एक 4 पॉकेट मैंने लिया है, 10-10 का एक पॉकेट आता है। उबलते हुए दूध में चावल को ऐड कर देंगे हम, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, गैस का फ्लेम कम कर देंगे हम। इसको ढक के छोड़ देंगे, अब बीच-बीच में चलाते रहेंगे हम खीर को, बीच-बीच में चलाते रहेंगे हम। इधर मैंने प्याज टमाटर को कट कर दिया है, अदरक लहसुन को भी कट कर दिया है, लहसुन कुछ
खड़े गरम मसाले मैंने ऐड लिया है इसमें, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता और 10-15 काजू। इस सबको हम, तेल गरम हो गया इसमें डाल देते हैं प्याज टमाटर लहसुन अदरक को, गरम मसाले खड़े इसमें डाल देंगे, काजू को इसमें ऐड कर देंगे हम, सबको एक साथ डाल के हल्का इसको फ्राई कर लेंगे हम, प्याज टमाटर लहसुन अदरक को। पनीर को पानी में से मैं निकाल दिया है, अच्छी तरह से पानी निकाल दिया। अब इसको छोटे छोटे टुकड़े कट कट कर लेते हैं हम पनीर को, पहले इधर तब तक इधर प्याज भी सॉफ्ट हो गया, अब इसको निकाल लेते हैं। प्याज को कुछ देर ठंडा हो जाएगा तब इसको पेस्ट बना लेंगे इसका हम। ठंडा हो गया अब इसका पेस्ट बना लेते हैं हम। फिर उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे, तेल डाल देंगे हम, पूरा हीट होने देंगे हम तेल को। तेल गर्म हो गया, अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच मिर्चा पाउडर, गैस का फ्लेम कम ही रखेंगे, उसको चला देंगे हम। अब इसमें ऐड कर देंगे पेस्ट टमाटर प्याज पेस्ट ऐड कर देंगे, जो पीस के हम रखे हैं उसको ऐड कर देंगे इसमें हम, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे हम। जार में थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे और इस पानी को भी इसमें ऐड कर देंगे हम। इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जीरा पाउडर 1 चम्मच, 1.5 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, मसाले डाल के मिक्स कर देंगे। अब पकने के लिए इसको छोड़ देंगे हम, मसाले सब मसाले को गैस का फ्लेम कम ही रखेंगे, इसमें थोड़ा छीटा उड़ता है। इधर चावल आधा पक गया है, अब इसमें ऐड कर देंगे हम चीनी। मैंने जिस कटोरी से चावल डाला उसी कटोरी से इसमें चीनी ऐड कर देंगे, इसको मिक्स कर देते हैं। इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर महक के लिए, खुशबू अच्छा, थोड़ी सी इलायची पाउडर इसमें ऐड करेंगे, डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम कम ही रखेंगे और इसको ढक देंगे हम, कम ढक देंगे। ऐड करेंगे नमक अपने स्वाद के अनुसार, मिक्स कर देंगे इसको हम। मसाले पक गए हैं, अब इसमें ऐड कर देंगे पनीर, पनीर का टुकड़ा इसमें ऐड करेंगे। देखिए उबले हुए पानी में डालने से ही होता है, स्पॉन्जी हो जाता है, इसमें खटापन नहीं रहता है कोई। इसमें सब पनीर को ऐड कर देंगे हम, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम, इसको ढक देंगे, गैस का फ्लेम कम कर देंगे। अब खीर में ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट, इसको मिक्स कर देंगे हम। मसाले तेल छोड़ दिए, इसमें ऐड करेंगे हम मलाई, 1/2 चम्मच मलाई ऐड करेंगे घर का फ्रेश, मिक्स कर देंगे। में दही ऐड करेंगे 1/2 चम्मच, 4 चम्मच से 2 चम्मच, में डालने का कसूरी मेथी, तरह से मिक्स कर देंगे हम। अब इसको हम ढक देते हैं, कम कर देंगे मसाले, कुछ पक जाए इसके। खीर बन के तैयार हो गया है, देखिए कितना अच्छा देखने में लग रहा है खीर। ये चावल का खीर सेम साबूदाने के खीर की जैसे बन के तैयार होता है, उसी तरह खाने में लगता है यम्मी और टेस्टी। एक बार आप इस चावल का खीर बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। हम गैस को बंद कर देते हैं, देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है खीर, दूर से देखने में साबूदाने की खीर की तरह लगता है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, ग्रेवी के अनुसार से पानी ऐड कर देंगे हम, पानी डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे हम। इसमें पानी ऐड कर दिया हमने, अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं, इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे। देखिए 2 मिनट के ढकने के बाद मेरा सब्जी पनीर का भी बन के तैयार हो गया, देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। गैस को बंद कर देते हैं हम। चना भी उबल गया है, अब इसको एक बॉल में खाली कर लेंगे हम। इसका पानी हमने निकाल लेंगे, पानी सहते हैं इसको रखेंगे हम। फिर उसी कुकर को गैस पर चढ़ाएंगे धुल के फिर से। छोले के हिसाब से इसमें तेल ऐड किया है, तेल गर्म हो गया, इसमें डालेंगे जीरा, 2 तेज़पत्ता,
और बारीक कटा हुआ प्याज मैच कराएंगे जो मैंने कहा। इसमें नमक डालेंगे, इसको मिक्स कर देंगे। अब इसको ढक के हम कम आंच पे छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए, प्याज जल्दी गल जाएगा। इसमें मसाले में डालेंगे हल्दी पाउडर 1 चम्मच, मिर्चा पाउडर 2.5 चम्मच। इस चम्मच से 3 चम्मच, बड़े चम्मच से 1.5 चम्मच, जीरा पाउडर 1.5 चम्मच, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। इस सारे पेस्ट को पानी डाल लेंगे, मिक्स कर लेंगे हम। पानी डाल के इसको मिक्स कर देते हैं हम। इधर प्याज भी तेल छोड़ दिया है, सॉफ्ट हो गया है, इसको मिक्स कर चला देते हैं। देखिए पूरा प्याज सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे हम। इसे मसाले ऐड कर देंगे हम, इसको मिक्स कर देंगे मसाले को। मिक्स करने के बाद इसको ढक देंगे कम आंच पे पकने के लिए मसाले को 2-3 मिनट के लिए। मसाले को ढक देंगे कम आंच पे पकने के लिए, गैस के फ्लेम कम कर देंगे हम। तब तक आटा हम गूंथ लेंगे, तब तक कि हम आटा गूंथने की तैयारी करेंगे हम। ये आटा है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी, नहीं तो रिफाइन इसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच। अब इसको मिक्स कर देंगे, इससे पूरी सॉफ्ट होता है। अच्छे मिक्स कर लेंगे हम। प्याज इसी तरह से गल गए, तेल भी छोड़ दिए हैं, देखिए। इसमें ऐड कर देंगे हम वाइट वाला चना जो उबाल के हम रखे हैं। पानी सहित इसमें डाल देंगे पूरे उबले हुए चने को, इसमें हम वाइट चने को। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे हम मसाले में, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे हम। मिक्स करके इसको ढक देंगे हम, ढक देंगे मसाले को पकने देंगे। मिक्स कर देंगे इसको ढक्कन से, ढक देंगे गैस को कम कर देंगे 3 मिनट के लिए। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच छोला मसाला पाउडर, ये वाले चम्मच से, बड़े चम्मच से 1 चम्मच, चाय के चम्मच से 2 चम्मच, चाय के छोटे चम्मच 1/2 चम्मच चाट मसाला, सब डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसको ढक देंगे 2 मिनट के लिए मसाले को पकने के लिए गैस कम करके। 2 मिनट पकने के बाद इसमें पानी ऐड करेंगे, ग्रेवी के अनुसार इसमें डाल देंगे हम। पहले इसमें नमक मैंने ऐड किया है, स्वाद अनुसार हम लोग डालेंगे इसमें नमक। इसको मिक्स कर देंगे हम। अब इसको हम ढक्कन लगा देंगे, ढक्कन लगा के इसको प्रेशर आने देंगे, सीटी नहीं दिलवाएंगे हम, सिर्फ प्रेशर आने देंगे। इसका प्रेशर बन जाएगा तो गैस को हम बंद कर देंगे। देखिए छोला बन के तैयार हो गया है।
पता चला क्या तेरा कर लेगा है बाद में ना कहना कुछ भी पहले दे तू वार्निंग पार्टी चलेगी जिसको डांस नहीं करना वो जाके यूनिक डांस चलाए फिर सॉन्ग आ रहा है फिर सॉन्ग सभी बर्तन चले गए। उसके बाद हमने पूरा बर्तन साफ सफाई किचन का करके किचन का साफ सफाई किया। उसके बाद मैंने फ्रेश हुआ। उसके बाद अपने लिए खाना निकाला। ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो नए रेसिपी के। तब तक लिए नमस्कार बाय बाय शुभ रात्रि।